हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 17 फिनाले के बहुत ज्यादा है करीब और इस हफ्ते वीकेंड का वार बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि भाई इस बार ना वीकेंड का वार पर सलमान खान नहीं आ रहे हैं। जी हां, सलमान की जगह एक बार फिर से करण जौहर आएंगे और करण जौहर का तो अंदाज एकदम निराला है भाई, डांट फटकार मारने से वो बिल्कुल बाज नहीं आते। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ना वो आयशा को आड़े हाथों लेने वाले हैं, आयशा पर जमकर बरसेंगे करण जौहर और मुनव्वर की ना कहीं वो साइड लेते नजर आएंगे। क्या होगा और इसके अलावा चलिए आपको बता दूंगी। लेकिन गाइज, आप लोग अगर मेरे चैनल गॉसिप टाउन पर है नए तो बिना देरी के ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गाइज, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि करण जौहर जब आएंगे तो वो ना आयशा से कई तीखे सवाल करने वाले हैं, क्योंकि करण जौहर को कहीं ना कहीं आयशा जिस तरीके से अब मुनव्वर को बार बार ब्लैकमेल कर रही है ना, वो चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि एक ही बार में आयशा मुनव्वर के खिलाफ खुलासे नहीं कर रही है, रुक रुक कर जिस तरह से ब्रेक ले लेकर वो उस पर अटैक कर रही है ना, कहीं ना कहीं वो चीज ना मुनव्वर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसे तोड़ रही है, उसकी इमेज पर उसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। और ये तमाम चीजें ना अब करण जौहर मुद्दा बनाने वाले हैं इस पर और खुलकर आयशा से तीखे सवाल करेंगे और उनकी ना जमकर बैंड भी बजाने वाले हैं। वैसे गाइज, जिस तरीके से अब जो आयशा है उसने धमकी दी मुनव्वर कि मैं अब तुझे हर तरीके से एक्सपोज कर दूंगी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तेरे को पूरा का पूरा अच्छे से तेरी धज्जियां उड़ाऊंगी, ये सब जो बोला ना, ये चीजें कहीं ना कहीं मुनव्वर को बहुत ज्यादा चुभी है और मुनव्वर ना इन तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। और यही माना जा रहा है कि अब करण जौहर मुनव्वर को थोड़ा सा संभालते दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आयशा से सवाल करेंगे। आयशा को अब करण के सवालों का जवाब देना होगा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। वो एक करके जब वो पहले दिन घर में आई थी तभी उन्होंने तमाम उनको एक्सपोज पूरी तरीके से क्यों नहीं किया, वो पहले तो उनसे अच्छा सा रिश्ता बनाती नजर आ रही थी, काफी गेम वेम खेल रही थी, काफी इंजॉय कर रही थी उनकी कंपनी, पर अचानक से फिर बाद में ऐसा क्यों कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि करण के तीखे सवालों का आयशा कैसे देंगी जवाब और मुनव्वर को मिलेगी कितनी राहत। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।